नमस्कार। आज मैं मटर पनीर कुलचा बनाने जा रही हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं एक अच्छी सी रेसिपी। मटर पनीर कुलचा बनाने के लिए सबसे पहले मैदा लिया है मैंने, लगभग 200 ग्राम मैदा लिया है, और पनीर लिया है 150 ग्राम, और दूध लिया है 1 कप, तेल लिया है कोई भी तेल आप ले सकते हैं, 4 चम्मच तेल मैंने लिया है, लगभग आधा छोटी कटोरी, और नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। 1 प्याज मैंने बारीक बारीक काट लिया है, मटर लिए मैंने 1 कटोरी उबली हुई, उबाल लिया है इनको, थोड़ा पानी डाल के पतीले में और इनको उबाल लिया मैंने, और 1 हरी मिर्च बारीक काट ली है, ये बेकिंग पाउडर है 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, चाट मसाला आधा चम्मच, और ये गरम मसाला आधा चम्मच। तो सबसे पहले एक मिक्सी में ये मटर को पीसना है हमें, ये मटर के दाने थोड़े पीसने हैं, इनको पीस लेंगे सबसे पहले। ये मटर को हमने पीस लिया है, ये देखिए बहुत ज़्यादा बारीक पेस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा दरदरा इसको पीस ले रफली। और अब गैस ऑन करके एक पैन रखेंगे और उसमें जो ये तेल है आधा तेल डालेंगे, 4 चम्मच लिया था तो 2 चम्मच इसके अंदर डालेंगे। और सबसे पहले इसमें डालेंगे ये प्याज बारीक कटे हुए, थोड़ा सा प्याज को भूनना है पहले, आप चाहें तो इसमें जीरा डाल सकते हैं, अगर प्याज नहीं खाते हैं तो जीरा डाल लें, सरसों के दाने भी डाल सकते हैं, प्याज को आप ऑप्शन है। इसके बाद में हरी मिर्च, प्याज को बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना, थोड़ा सा भून लें, और उसके बाद में मसाले डालेंगे, गैस को कम कर लें, लाल मिर्च, गरम मसाला, चाट मसाला, और थोड़ा सा नमक, इसके बाद में जो ये पेस्ट है मटर को वाली, मटर को हमने जो पीसा है ये इसके अंदर, और मटर को बिना पानी के पीसना है, पानी नहीं डालना है पीसते टाइम। अच्छे से नोक करें इसको बाइंड करने के बाद, जितना अच्छा आप नोक करेंगे इसको उतने अच्छे आपके कुलचे बनेंगे। डो हमारा तैयार है, हाथ पे चिपकना बंद हो जाएगा तो इसका मतलब डो तैयार है, ये देखिए। अब इसको रख देंगे कम से कम 15 मिनट के लिए ढक के प्लेट से या कपड़े से। शुरू करते हैं कुलचे बनाने के लिए, ये देखिए आटा थोड़ा फूल गया है, और गैस ऑन करेंगे जिस पे आपको बनाना है, तवा या पैन कोई भी, और थोड़ा सा तेल ले लेंगे साइड में, हाथ पे थोड़ा तेल लगा लें ताकि आटा चिपके नहीं, और पेड़ा बनाएंगे लगभग मौसमी के साइज का या अमरूद के साइज का इस तरीके से, और थोड़ा इसको फैला लेंगे उंगलियों से प्रेस करके फैला लें इसको। अब इसके अंदर स्टफिंग भरेंगे, जो पनीर की स्टफिंग हमने बनाई थी ये अच्छे से इसमें भरेंगे, और सील करना है इसको आराम से अंगूठे से दबा दबा के। अच्छे से सील करके हाथ से ही फैलाना है इसको, थोड़ा सा ऐसे हाथ से फैला लें, अगर दिक्कत हो आपको तो थोड़ा तेल लगा सकते हैं उंगलियों पे इस तरीके से, और फिर फैलाएं। इस तरह से, और अब थोड़ा सा बेलन से इसको फैला लेंगे, रोटी के जैसा बनाना है, जैसे रोटी बेलते हैं धीरे धीरे। ये लीजिए
तैयार है। अब तवे पे डाल देंगे इसको, धीरे से उठाएं साइड से और तवे के ऊपर फैला दें। थोड़ा सा प्रेस कर दें किनारे से, बीच से तो चल जाएगा, थोड़ा किनारे से पतला करें, हाथ से ऐसे फैला दें और तेज आंच के ऊपर इसको सेकना है हमें। थोड़ा सा ढक्कन लगा सकते हैं आप इसके ऊपर ताकि जल्दी सिक जाए। चलिए पलट देते हैं 2 मिनट के बाद, 2 मिनट वेट करें और उसके बाद पलटें आराम से। ये पलटा है मेरे पास, इससे जल्दी पलटा जाएगा और आसानी से। तो थोड़ा सा हाथ लगा के इस तरीके से और इसको पलट दें। ये देखिए अच्छे से सिक गया है। इसी तरह से दोनों तरफ से सेक लें और ढक्कन लगा दें तो जल्दी सिक जाएगा ये। तो ढक्कन लीजिए, अच्छे से सिक गया है। इसके बाद में 2 मिनट के लिए गैस कम कर दें, कम आंच पे इसको सेकें ताकि अंदर से या कहीं से भी थोड़ा बहुत कच्चा होगा तो वो सिक जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा मोटा होता है और अंदर स्टफिंग है, इस वजह से पलट पलट के इसको सेकना है। तो थोड़ी देर के लिए इसको कम आंच पे अच्छे से सेकें। चलिए कुलचा हमारा सिक चुका है, निकाल देते हैं इसको प्लेट पे और बनाते हैं। बाकी इसी तरह बना लेंगे सारे, हाथ से फैला के धीरे धीरे। लीजिए दूसरा भी इसी तरह से सेक लेंगे, पहले तेज आंच पे और डालने के बाद, फैलाने के बाद जब आप हाथ से फैला दें तो ढक्कन लगा दें थोड़ी देर के लिए ताकि अच्छे से सिक जाए। ढक्कन लगाने से जल्दी सिक जाएगा। तो पलट पलट के ऐसे ही सेकेंगे। और लीजिए तैयार है हमारे मटर पनीर कुलचे। आप चाहें तो मक्खन के साथ खा सकते हैं या बगैर मक्खन, चटनी या सॉस के साथ। एंजॉय करें।